बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली लेसन नंबर वन और इसका लेक्चर नंबर फोर। आज हमारी थोड़ी सी टेक्स्ट बाकी है और इसके साथ साथ हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे और इस लेसन को जो है वो समाप्त करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो यहाँ पर तक पढ़ा था, आर यू रियली सेइंग। आज हम जहां से आगाज करेंगे वो आई एम सेइंग, ठीक है। आई एम सेइंग दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट। कहते कि मैं कह रही हूं कि शायद वो किसी इसे किसी तहकीकी मंसूबे के लिए कर रहे हो। प्रोबेबली का मतलब क्या होता है? शायद। आई एम सेइंग दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट, कि मैं कह रही हूं कि शायद वो उसे किसी तहकीकी मंसूबे के तहत कर रहे हो। शी काट हिम ऑफ, उसने उसकी बात काटी। दैट दे वॉन्ट टू नो वट एवरेज पीपल वुड डू अंडर सच आर सर्कमस्टांसेस, ठीक है, कि वो ये जानना चाहते हैं कि इस किस्म की सूरत हाल में आम लोग क्या रवैया अख्तियार करते हैं। सर्कमस्टांसेस बोलते हैं बेसिकली हालात को। दैट दे आर जस्ट सेइंग समवन वुड डाई, ठीक है, कि वो मतलब जानना चाहते हैं दैट दे आर जस्ट सेइंग कि जब वो ये कह रहे हैं समवन वुड डाई कि कोई मर जाएगा। इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शंस, तो इन बातों का रद्दअमल देखने के लिए, सी इफ देयर वुड बी गिल्ट, कि क्या कोई एहसास जुर्म पैदा होता है। गिल्ट बोलते हैं एहसास जुर्म को, एंजाइटी, बेचैनी, वट एवर, या कोई भी हो। यू डोंट रियली थिंक दे वुड किल सम बॉडी डू यू, आप वाकई ना सोचे कि वो किसी को मार देंगे, क्या तुम ऐसा सोचते हो? आर्थर डिड नॉट आंसर, आर्थर ने उसकी बात का जवाब ना दिया। शी सॉ हिज हैंड्स ट्रेम्बलिंग, उसने देखा कि उसके शौहर के हाथ जो है वो कांप रहे हैं। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, खौफ से कांपना। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद, ही गॉट अप, वो खड़ा हुआ एंड लेफ्ट, और चला गया। व्हेन ही हैड गॉन टू वर्क, जब वो अपने काम पर चला गया, नॉर्मा रिमेन एट द टेबल, नॉर्मा टेबल पर ही बैठी रही, स्टेयरिंग इनटू हर कॉफी, अपनी कॉफी की तरफ घूर रही है, ठीक हो, कॉफी तरफ घूर रही है। आई एम गोइंग टू बी लेट, फिर वो खुद से बात करती है मोनोलॉग के, मैं लेट हो रही हूँ। शी थॉट, उसने सोचा। शी श्रग्ड, ठीक हो गया, उसने कंधे चढ़ाए। ये फिर लफ्ज़ बार बार रिपीट हो रहा है, श्रग, कंधे चढ़ाना। वट डिफरेंस डिड इट मेक, कहती इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर मैं लेट भी हो रही हूँ। अब ये हमारा लेसन का क्लाइमेक्स है, एंड है, ठीक है, जहां पर वो बटन दबाएगी, ठीक है। अब उसका शौहर काम पे चला गया, ठीक है। वाइल शी वॉज टेकिंग डिशेस, जब वो जो है मतलब प्लेटें, साफ प्लेटें जो है वो खुश्क करने के लिए रख रही थी, ठीक हो गया। स्टे का मतलब होता है खुश्क करना। शी टर्न्ड एब्रप्टली, एब्रप्टली अचानक या फौरन, वो मुड़ती है फौरन। ड्राइड हर हैंड्स, अपने हाथों को खुश्क करती है। एंड टुक दी पैकेज फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, और नीचे वाले हिस्से से, निचले खाने से जो है बंडल निकालती है। ओपनिंग इट, उसे देखते हुए, शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल, वो बटन यूनिट को जो है वाले उस वाले को मेज पर रखती है। शी स्टेयर्ड एट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो काफी अरसा तक, इस काफी लंबे अरसे तक इसे देख रही है। बिफोर टेकिंग द की फ्रॉम इट्स इनवेल्प एंड रिमूविंग द ग्लास डोम, यानी लिफाफे से चाबी निकालने और शीशे का जो गुंबद था वो हटाने से पहले वो काफी देर तक इसे गौर से देखती रही, घूरती रही। शी स्टेयर्ड एट द बटन, इस आले को, बटन को घूर रही है। हाउ रेडिकुलस, रेडिकुलस मजे का खेज, अजीब, कहती कितनी मजे का खेज बात है। शी थॉट, उसने सोचा, ऑल दिस फ्यूर ओवर अ मीनिंगलेस बटन। फ्यूर बेसिकली बोलते हैं हंगामे को, कहते कितना ज्यादा हंगामा एक बेमानी बटन के ऊपर। रीचिंग आउट, हाथ बढ़ाते हुए, रीचिंग आउट का मतलब क्या होता है? हाथ बढ़ाते हुए, शी प्रेस्ड इट डाउन, वो उसे दबा देती है। फॉर अस, हमारे लिए, शी थॉट एंगरली, ठीक है, वो मतलब नाराजगी से सोचते हुए, गुस्से से सोचते हुए, ठीक हो गया, वो उसे दबा देती है। शी शडर्ड, अब वो थोड़ा सा काम जाती है, ठीक हो गया, कांपने लगी। वाज इट हैपनिंग, कहते क्या ये वाकई हो रहा है? अ चिल ऑफ हॉरर स्वेप्ट अक्रॉस हर, खौफ का जो था वो, खौफ की सर्द लहर उसके जिस्म से गुजर के जाती है, ठीक हो गया। अ चिल ऑफ हॉरर से मुराद है
खौफ की एक लहर या खौफ का एहसास होना। इन अ मोमेंट, एक लम्हे में, इट हैड पास्ट, एक लम्हे में ये एहसास खत्म हो गया। शी मेड अ कॉन्टेम्पटस नॉइस, उसने एक हकारत वाली आवाज निकाली। रेडिकुलस, कहती कि कितनी अजीब बात है, कितनी मजेका खेज बात है। शी थॉट, उसने सोचा, टू गेट सो वर्क अप ओवर नथिंग, ठीक हो गया, कहती है इतनी मामूली सी बात के लिए इतना सोच विचार, यानी सिर्फ एक बटन ही तो दबाना था और इतनी बहस। शी थ्रू द बटन यूनिट डॉम एंड द की इन टू द वेस्ट बास्केट। अब वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो टोकरी वगैरह में, ठीक है, फेंक देती है। एंड हरी टू ड्रेस फॉर वर्क, और काम, अपने काम पे जाने के लिए तैयार होना शुरू कर देती है। शी हैड जस्ट टर्न ओवर दी सुपर स्टिक्स व्हेन द टेलीफोन रैंग, अब टेलीफोन की घंटी बजती है, ठीक है। शी हैड जस्ट टर्न ओवर द सुपर स्टिक्स, सुपर बोलते हैं बेसिकली शाम के खाने को, स्टिक्स बोलते हैं गोश्त के टुकड़े को, ठीक है। शाम के खाने के लिए उसने गोश्त के टुकड़ों जो है वो भी उल्ट पल्ट किया था जब फोन की घंटी बजी। शी पिक्ड अप द रिसीवर, उसने रिसीवर उठाया। हेलो मिसेस लॉइस, यस दिस इज लिनक्स हिल हॉस्पिटल, मतलब मुराद यहाँ पे क्या है कि उसे जो है हॉस्पिटल से फोन आता है। शी फेल्ट अनरियल, अब वो हॉस्पिटल वाले इसे क्या इतला देते हैं। शी फेल्ट अनरियल, कहते कि मतलब उसे ये बात गैर हकीकी महसूस हुई। एज अ वॉइस इन्फॉर्म्ड हर, जैसे ही उस आवाज ने इतला दी ऑफ द सबवे एक्सीडेंट, के जनाब जमीन दोज रेलवे में एक हादसा हो गया है, ठीक हो गया। द शोइंग क्राउड, घेरता हुआ हजूम जो है, आर्थर पुश्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, के जमीन दोज रेलवे के एक हादसे के बारे में बताया कि हजूम के बहुत ज्यादा हजूम के अंदर किसी ने जो है आर्थर को रेलवे के चबूतरे से रेल के आगे धकेल दिया, ठीक हो गया। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ शेकिंग हर हेड बट कुड नॉट स्टॉप। अब वो जब उसे ये इतला मिली कि जनाब मेरे हस्बैंड को जो है वो कि जो है उसकी डेथ हो गई है, वो प्लेटफॉर्म के आगे आ गया है, ट्रेन के आगे आगे आ गया, उसकी डेथ हो गई है, तो उसका सर जो है वो चकराने लगा, ठीक है। अब उसे महसूस हो रहा है कि उसका सर जो है वो चकरा रहा है, बट कुड नॉट स्टॉप, लेकिन वो इसे रोक ना सकी। ऐसी हैंग अप, जैसे ही उसने फोन बंद किया, यानी ये जो दो लाइन है, इन लाइन में हमें बताया गया है कि आर्थर की डेथ हो गई है, ठीक हो गया, कि मतलब वो रेलवे के अंदर आके जो है उसकी डेथ हो गई है ट्रेन के आगे आके, ठीक हो गया। ऐसी हैंग अप, जैसे ही उसने फोन बंद किया, शी रिमेम्बर्ड आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर $25,000 विद डबल इंडेमनिटी फॉर, ठीक हो गया। जैसे ही उसने फोन बंद किया तो उसे जो है वो आर्थर की पॉलिसी, आर्थर की जो है वो $25,000 की जो है वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी याद आ गई, जो कि मौत की सूरत में जो है वो डबल हो जाने थी, ठीक है। यानी उसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हुई थी $25,000, और अगर वो मर जाता तो उसमें उसकी जो है वो ये पॉलिसी जो रकम है वो डबल हो जाती। तो ये बेसिकली इंडेमनिटी हर्जाने को बोलते हैं, ठीक है, डैमेजेस को बोलते हैं, कॉम्पनसेशन को बोलते हैं, ठीक है, इसमें सिनोनिम्स वगैरह पे आएगा। नो शी कुड नॉट सीम टू ब्रीथ, अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो सांस नहीं ले रही। शी स्ट्रगल टू हर फीट एंड वॉक्ड इन टू द किचन नंबली, ठीक है, कि वो मतलब बड़ी कोशिश की, बड़ी कोशिश करके चंद कदम चली, ठीक है, और बेहिसी के साथ जो है वो किचन तक पहुंची है। नंबली का लफ्जी मानी बेसिकली होता है बेहिसी के साथ। समथिंग कूल प्रेस्ड एट हर स्कूल एज शी रिमूव द बटन यूनिट फ्रॉम द बास्केट, अब वो किचन में जाती है और वहां पे जाके जो आला उसने फेंक दिया था टोकरी के अंदर, वो सारे आले को निकालती है। तो उस आले को देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है वो मतलब उसकी खोपड़ी को जो ऐसा लगता है कि किसी सर्द चीज ने जो है वो उसकी खोपड़ी को दबा दिया। क्यों, मतलब उसे ऐसा महसूस हुआ जब उसने आले को निकाला, देर वॉज नो नेल्स और स्क्रू विजेबल, ठीक हो गया, कि मतलब ना कोई कील थे, कोई चीज वहां पे जो है वो नजर नहीं आई, शी कुड, जिसके जरिए इस आले को जोड़ा गया था। शी कुड नॉट सी हाउ इट वॉज पुट टुगेदर, वो समझ ना सकी कि इसे किस तरह से जो है वो जोड़ा गया। एब्रप्टली फॉरन शी बिगन टू स्मैश इट ऑन द सिंक एच, अचानक उसने जो है वो वॉश बेसिन के किनारे पर इसे मारना शुरू कर दिया, पाउंडिंग इट हार्डर एंड हार्डर,
ठीक हो गया। पाउंडरिंग, पाउंडिंग का बेसिकली मतलब होता है मारना, ठीक है। इट हार्डर एंड हार्डर, वो तेजी से जो है उसे मार रही है, जोर जोर से उसे मार रही है। अनटिल द वुड स्प्लिट, हत्ता के जो जो मतलब लकड़ी है वो टूट जाती है। शी पुल्ड द साइड अपार्ट्स, उसने उसके टुकड़े खींच के अलग अलग की। कटिंग आर फिंगर्स विदाउट नोटिसिंग, जबकि उसे पता नहीं चला कि ये काम करते करते जो है उसकी उंगलियां जो है वो कट लगे उस पर। देयर वॉज नो ट्रांजिस्टर्स इन द बॉक्स, नो वायर्स और नो ट्यूब्स। उसे मालूम होता है कि उसकी उंगलियां कट गई थी, और डब्बे में जब उसने खोला कोई भी ट्रांजिस्टर मौजूद नहीं था, कोई भी तारे नहीं थी और ना ही कोई ट्यूब वगैरह थी। द बॉक्स वॉज एम्प्टी, जो बॉक्स था बिल्कुल तौर पर क्या था, एम्प्टी था। शी रिल्ड विद द गैस एट द टेलीफोन रैंग, रिल्ड का मतलब होता है मुड़ना, वो मुड़ी, ठीक है। कांपती हुई, हांकते हुए भी आप कह सकते हैं इसे, एज द टेलीफोन रैंग, यानी वो कांपते हुए वापस मुड़ती है, ठीक है, जब फोन की दोबारा से घंटी बजती है। स्टम्बलिंग इन टू द लिविंग रूम, स्टम्बल का लफ्जी मानी होता है लड़खड़ाना, ठीक है। लड़खड़ाते हुए वो लॉन्ज में आती है, यानी उसके कदम जो है उसका साथ नहीं दे रहे, इतनी वो परेशान है। जाहिर है उसके हस्बैंड की डेथ हुई है। स्टम्बल का लफ्जी मानी मैं फिर बता रहा हूँ, लड़खड़ाते हुए, कि वो अपने कदमों पर लड़खड़ाते हुए। शी पिक्ड अप द रिसीवर, वो रिसीवर को उठाती है। मिसेज लॉइस, मिस्टर स्टीवर्ड आस्क्ड, अब फोन पे कौन होता है, मिस्टर स्टीवर्ड, वो पूछता है कि क्या मिसेज लॉइस है। इट वॉज नॉट हर वॉइस श्रिकिंग सो इट कुडंट बी, यू सेड आई वुड नो द वन हु डाइड, ठीक हो गया। यानी वो चीखती हुई आवाज उसकी अपनी ना थी, ये नहीं हो सकती थी, यानी वो चीख चीख के बेचारी रो रही थी और पुकार रही थी। और उसे क्या कहती है, कहती तुमने तो कहा था कि मरने वाले को मैं जानती नहीं होंगी। अब आगे से वो क्या कहता है, माई डियर लेडी, कि मेरी प्यारी खातून, डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड, क्या आप वाकई जानती थी अपने शोहर को। यहाँ पे जो इस कहानी का इख्तिताम हो जाता है। थीम इसका हम लोगों ने बेसिकली स्टार्ट में पढ़ लिया था कि इसका थीम क्या है। ये हमारा ख़त्म हुआ, इसका टेक्स्ट हम लोगों ने जो इसका आगाज़ किया था। उम्मीद है इसकी आप लोगों को समझ आई होगी। बाकी पिछले लेक्चर्स है वो उसको एक बार देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये भी समझ में आ जाए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे, जो इसके एक्सरसाइज के सवालात हैं। पहला इसका सवाल है, व्हाई डिड नॉर्मा कंसीडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ड ऑफेंसिव, कि नॉर्मा ने स्टीवर्ड के लहजे और रवैये को जारहाना क्यों तसव्वुर किया। नॉर्मा कंसीडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ड ऑफेंसिव, नॉर्मा को मिस्टर स्टीवर्ड का लहजा और रवैया जारहाना लगा। शी थॉट दैट ही वॉज एन अनइनवाइटेड सेल्समैन, उसने सोचा कि वो बिन बुलाए कोई सेल्समैन आ गया है, हु वॉन्टेड टू सेल समथिंग, जो कुछ बेचना चाहता है। एंड वॉज वेस्टिंग हर टाइम, और उसका जो वक्त जो है वो जाया कर रहा है। बेसिकली तो ये मतलब उसे यही था, हम लोगों ने सेल्स पिच का एक वर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 में, कि ऐसा रवैया अख्तियार करना कि जिसमें हमें महसूस हो कि शायद कोई चीज़ हमें बेची जा रही है, ठीक है। तो जब उसे चीज़ भेजी गई, उसे ऐसा लगा था कि शायद ये मुझे कोई चीज़ बेचने के लिए आया है, ठीक है, लेकिन हकीकत में वो क्या था, इसके लिए ऑफर लेकर आया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड आर्थर डिस एग्री विद हिज वाइफ, आर्थर अपनी बीवी से मुत्तफिक क्यों नहीं था। आर्थर डिस एग्रीड विद हिज वाइफ, आर्थर अपनी बीवी से मुत्तफिक नहीं था। बिकॉज ही कंसिडर्ड इट इमोरल टू किल समवन ओनली फॉर द सेक ऑफ मनी, क्योंकि वो पैसों की खातिर किसी को मारना गैर इखलाकी समझता था। ही कंसिडर्ड इट अ प्रैक्टिकल जोक, वो उसे अमली मजाक समझता था। तो ये लाइन्स हम लोगों ने टेक्स्ट में भी पढ़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाई डिड नॉर्मा परसुएड हर हस्बैंड टू एग्री विद हर, नॉर्मा ने अपने खावन को अपने साथ मुत्तफिक करने के लिए कायल क्यों किया। नॉर्मा ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड टू एग्री विद हर, या नॉर्मा ने अपने खावन को अपने साथ मुत्तफिक करने के लिए कायल करने की कोशिश की। शी वॉन्टेड टू गेट $50,000 टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, वो चाहती थी कि उनका मेयारे ज़िंदगी बेहतर हो जाए इस रकम के जरिए। शी वॉन्टेड टू मेक अ ट्रिप टू यूरोप, वो चाहती थी कि वो यूरोप की सैर करें। एंड बिल्ड अ लिटिल कॉटेज ऑन द आइसलैंड, और जजीरे पर एक छोटा सा मकान वगैरह बनाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वर द रीजंस नॉर्मा गेव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर, ये फिर वही बार बार रिपीट हो रहा है सवाल, कि नॉर्मा ने पेशकश कबूल करने के लिए खावन को कौन सी वजूहत दी। नॉर्मा टोल्ड हर हस्बैंड दैट इट माइट बी अ साइकोलॉजिकल रिसर्च प्रोजेक्ट,
शायद कोई नफसियाती तहकीक का मंसूबा हो और अ गेम प्लेड बाय सम मिलियनेयर या कोई अजीब करोड़पति शख्स जो है वो खेल 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 रहा हो, इट वुड मेक नो डिफरेंस टू किल एन अननोन पर्सन। उसने अपने शौहर को कायल करने की कोशिश की कि भाई किसी अजनबी शख्स को मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोर एवर दे कुड फुलफिल देयर ड्रीम्स विद द मनी ऑफ $50,000 बाय पुशिंग द बटन। विचार ही थी कि $50,000 की रकम से हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड मिस्टर सीबर्ट कंटिन्यू परसुएडिंग नॉर्मा। मिस्टर सीबर्ट ने नॉर्मा को कायल करना क्यों जारी रखा। ही कंटिन्यूड परसुएडिंग नॉर्मा, नॉर्मा को कायल करना जारी रखा बिकॉज शी शोड इंटरेस्ट इन द ऑफर, क्योंकि उसने जो है इसमें दिलचस्पी जाहिर की थी। ही रियलाइज दैट शी वुड फॉल अ प्रे टू हिज मैन, उसे महसूस हो गया था कि उसकी चाल में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन। बटन दबाने पर नॉर्मा को क्या पैगाम मिला था। आफ्टर पुशिंग द बटन शी रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम द हॉस्पिटल, उसे अस्पताल से ये पैगाम मिला दैट हर हस्बैंड हैड बीन किल्ड बाय अ ट्रेन इन अ सबवे एक्सीडेंट। उसके शौहर की जो है वो एक्सीडेंट में रेलवे एक्सीडेंट में जो है वो डेथ हो गई है। ये आज का हमारा लेसन खत्म हुआ, लेसन नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले लेसन के साथ। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग बार बार जो है इस चैनल के जरिए मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।